नमस्कार दोस्तों, नए प्रस्तुति के साथ उपस्थित हूं मैं प्रिया मिश्रा। दर्शकों, आप जानते हैं कि औरत के कई रूप होते हैं, लेकिन औरत प्रत्येक रूप में त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति होती है। औरत को हमेशा परिस्थितिवश समझौता करना ही पड़ता है, कभी बच्चों के लिए, कभी माँ बाप के लिए, कभी परिवार के लिए, तो कभी अपने पति के लिए। ऐसी ही एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराती हूँ, जब पत्नी अपने पति के शारीरिक सुख के लिए एक नौकरानी से समझौता करती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। नीलम, थोड़ा ढंग से दबा ना। मैडम, क्या बात है जो आजकल आप हर रोज तनाव में? कुछ भी नहीं। जरूर कोई बात है जो आपको मन ही मन में खाए जा रहा है? क्या बताऊं तुझे नीलम, मन में तो बहुत सारी उलझने हैं, पर मैं तुझे बता नहीं सकती। अब बताइए तो सही, शायद मैं आपकी उलझनों को कुछ दूर कर सकूं। ये तेरे वश में नहीं है नीलम। अब बताइए तो सही। अच्छा, तू इतना जिद कर रही है तो बताती हूँ, लेकिन पहले तू मुझसे वादा कर कि तू मेरी उलझन को दूर कर देगी। जो मैं तुझसे कहूँगी वो तू करेगी। मैं वचन देती हूँ मालकिन, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तो सुन, मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं अपने पति को पत्नी का सुख नहीं दे सकती, इसीलिए मैं माँ भी नहीं बन सकती हूँ। अब ये बात मैं उन्हें कैसे बता दूँ? ये सब कुछ आप साहब को क्यों नहीं बता देती हैं? कैसे बता दूँ नीलम, तू जानती भी है अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो दूसरी शादी करके तेरे लिए दूसरी मालकिन लेके आएंगे, फिर मेरा क्या होगा? इसीलिए मैं रोज रात को उनसे कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती हूँ। पर मालकिन, ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन साहब को पता चल ही जाएगा और वो दूसरी मालकिन ले आएंगे। अगर उन्हें पत्नी का सुख मिल जाए तो वो दूसरी मालकिन नहीं लाएंगे। पर उन्हें पत्नी का सुख देगा कौन? तुम दोगी नीलम उन्हें। मैं? हाँ। देख तू मेरे पति को ना पत्नी का सुख दे सकती है। देख, तूने मुझे वचन दिया है, अब तू ना नहीं कह सकती। देख नीलम, मैं इसके बदले तू जो चाहेगी मैं तुझे दूंगी। तेरी बेटी की शादी करवा दूंगी, तेरा घर खर्च सब मेरी जिम्मेदारी रहेगी। सुन, घर की बात घर में रह जाएगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पर ये कैसे संभव है मालकिन? देख, जब मालिक तेरे पास आएंगे ना और तेरी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो बस तू उसे ना मत करना, बाकी सब ना तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है मालकिन, अब बस तेरी इज्जत का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ नीलम, मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरे बच्चों को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तूने मेरा इतना बड़ा काम किया है ना, मैं सच में तुझसे बहुत खुश हूँ। ठीक है मालकिन, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। सुन, एक काम करना, मैं ना तुझे अपनी नई साड़ी देती हूँ और तू मेरी साड़ी पहन के किचन में काम करना। मैं किसी भी बहाने से ना सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाऊंगी और फिर मालिक मुझे समझकर तुझे पीछे से पकड़ लेंगे। लेकिन देख, तू प्लीज पीछे कदम मत खींचना, ठीक है ना? तू करेगी ना? ठीक है, मैं करूंगी। ये लो नीलम, ये साड़ी कल पहन के आना और सुनो, कल सुबह जल्दी आना, साहब के उठने से पहले ही आ जाना, ठीक है? ठीक है मालकिन। चलो। सारिका आज पकड़ में आई।
जब भी देखो मुझसे भागती रहती हो। सॉरी सॉरी नीलम, मुझे लगा सारिका है, मुझे माफ कर दो। मेरी बीवी से कुछ मत कह, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं बताऊंगी मालकिन को, पर आप मुझे ऐसे आधा अधूरा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अगर आप मुझे ऐसे छोड़कर जाएंगे तो मैं सब कुछ मालकिन को बता दूंगी। अब तो आपको पूरा प्यार करना ही पड़ेगा। क्या साहब, आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या मैं सारिका मैम साहब से कम हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तो हमारी दोस्ती पक्की? हाँ बिल्कुल पक्की। ठीक है, जब मेम साहब घर पर नहीं होगी तो मैं आपको खुश कर दिया करूँगी। हाँ हाँ, लेकिन मेम साहब को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा, जब तक आप मुझे खुश रखेंगे तब तक मेरा मुंह बंद रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, जाके देखो। नीलम, कैसा रहा आज का दिन? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मैम साहब, और साहब भी ठीक है। जैसे आपने कहा था सब प्रोग्राम हो गया अच्छे से। सच में? जी। अच्छा तो घर जा, मैं देखती हूं साहब क्या कर रहे हैं। ठीक है मैम साहब, पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है मैम साहब, बाय बाय। अरे सारिका तुम यहां? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं बाजार गई थी सब्जियां लाने के लिए, और आप इतनी जल्दी में कहां चले जा रहे हैं? छोड़िए ना किताब, कुछ देर तो मुझसे बैठ के बातें किया करिए। और वैसे भी एक बात बताऊं, आजकल आपको इतना खुश देखकर ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मेरा बॉस आजकल मुझसे बहुत खुश है। क्या बात कर रहे हो? और ऑफिस में भी थोड़ा काम कम रहता है, इसलिए रिलैक्स हो मारो। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो, लेकिन कभी तो बीबी की तरफ भी देख लिया करो ना। देखो मेरी सारी खुशी की वजह तुम हो, इस घर की मालकी तुम हो, तुम सर्वे सर्वा हो। क्या बात करते हो, लेकिन ये बताओ आज मैंने इतनी प्यारी साड़ी पहनी, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं नहीं, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। मुझे पता है आजकल स्टाइल भी बहुत अच्छी है। कभी अपनी आंखों की तरफ ध्यान से देखा है? आजकल भूलते जा रहे हो मुझे बस। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, और तुम्हारी वजह से तो सब कुछ है मेरा। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर और भी ज़्यादा पसंद आया तो उसे शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हम आपको आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। नमस्कार।